नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। रामटेक के कार्यालय में नींद लेते दिख रहे हैं सरकारी कर्मचारी। वर्धा में लक्ष्मी मूर्तियों से सजे बाजार, खरीदी के लिए ग्राहकों की लगी भीड़। और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। और अब खबरें विस्तार से। ऑफिस के दरवाजे खुले, कुर्सियां खाली, आजकल ये नजारा सरकारी कार्यालय में ज्यादातर देखने मिल रहा है। अधिकारी के मीटिंग को जाते ही कर्मचारी भी ऑफिस को राम भरोसे छोड़कर अपने निजी काम से गायब हो जाते हैं। ऐसा नजारा रामटेक तहसील के सरकारी कार्यालयों में देखने मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने रामटेक तहसील के सरकारी कार्यालय का जायजा लिया तो वहां देखने लायक नजारा था। दिवाली की छुट्टियां लगने से पहले ही सरकारी कार्यालय खाली नजर आ रहे थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। शनिवार और रविवार की सरकारी छुट्टी भी कम पड़ती हो ऐसा देखने मिल रहा था। एक और गरीब जनता बार बार अपने काम से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती है तो वहीं वहां कार्यालय खाली पड़ता है। यहीं कर्मचारी मिलते हैं तो वो भी फोन पर नजर आते हैं, तो कुछ अपने टेबल कुर्सी पर नींद लेते नजर आते हैं। ऐसे में लोगों को कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो कर्मचारियों के काम करने के लिए हाथ पैर जोड़ने भी पड़ते हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन गंभीर समस्याओं की ओर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्यान देने की जरूरत है। दिवाली के उपलक्ष्य में बाजार सभी चीजों से सज गए हैं, वहीं एक से बढ़कर एक महालक्ष्मी मूर्तियां भी बाजार में देखने मिल रही है, जिसे खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी है। वर्धा के बाजार में आकर्षक लक्ष्मी मूर्तियां खरीदी के लिए उपलब्ध है। महालक्ष्मी की सुंदर सुंदर मूर्तियां देखकर बाजार में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। वहीं बाजारों में लोगों की खरीदी के लिए भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं मूर्तियां भी महंगी होने से ग्राहक कम खरीदी करने की बात दुकानदार ने बताई है। 20 वर्षापासून मी मूर्तीचा धंदा करत आहे। पहिले 30-40 रुपये 50 रुपयेपर्यंत खपत होती मूर्त्या, आता 250-300-400 महागाई असल्यामुळे महाग झाले मूर्त्या। आता तेवढे नाही करत आहे खरेदी, पहिलेपेक्षा कमी झाले। आता आमच्याकडे 200 रुपयापासून 500 रुपयेपर्यंत आहे। महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी के चलते न्यायदान में हो रही देरी को लेकर अधिवक्ता राहुल शिरलकर की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल पानसरे ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कई मामले लंबित हैं। वर्षों से मामले लंबित होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही है। याचिकाकर्ता का मानना था कि गत 2 वर्षों से मैट में न्यायिक सदस्यों के दोनों पद रिक्त है। इस तरह की त्रासदी की भली भांति जानकारी होने के बावजूद इन पदों को भरने के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। इसके अलावा स्टाफ में भी कई पद रिक्त है। कई तरह की परेशानियां उजागर करते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। तमाम खामियों को विस्तार से रखते हुए बताया कि मैट में 3 न्यायिक सदस्यों के पद हैं, जबकि केवल 1 स्टेनो उपलब्ध कराया गया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि मैट में न्यायिक सदस्य प्रशासकीय स्टाफ को मिलाकर कुल 39 मंजूर पद है, जबकि वर्तमान में 15 पद रिक्त चल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इन रिक्त पदों को तुरंत भरकर न्याय के इंतजार में खड़े लोगों को राहत देने की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने न केवल राज्य सरकार को नोटिस जारी किया बल्कि सरकारी वकील को स्वयं सरकार के समक्ष मसला रखकर अदालत को इसकी जानकारी देने के आदेश दिए। अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए। प्रशासन ने कॉलेज में ही विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत 18 वर्ष के 18,604 विद्यार्थियों ने वैक्सीन ली। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार नागपुर जिले में युवा स्वास्थ्य मिशन लसीकरण मुहिम अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों का टीकाकरण शुरू किया गया है। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक टीकाकरण की मुहिम शुरू रहेगी।
इस सप्ताह में सभी कॉलेज में विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में टीकाकरण करने की अपील प्रशासन से की। जिन्होंने पहला डोज लिया है उन्हें दूसरा डोज और जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है उन्हें लेने पहला डोज लेने की अपील जिलाधिकारी विमला आर ने की। अब तक 18 वर्ष के 18,604 विद्यार्थियों ने वैक्सीन ले ली है। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों के 229 कॉलेज में टीकाकरण मुहिम शुरू है। पर्यावरण संवर्धन से पांगरी ग्राम पंचायत ने नया उत्पन्न का स्रोत ढूंढ निकाला है। पांगरी ग्राम पंचायत ने सीताफल का 30 क्विंटल उत्पादन लिया है और अन्य किसानों के लिए आदर्श बनाया है। पर्यावरण संवर्धन के साथ ग्राम पंचायत को उत्पन्न का नया स्रोत निर्माण करने की दृष्टि से बुल्ढाना पांगरी उबरहंडे ग्राम पंचायत ने एक सकारात्मक कदम उठाकर फलों के पेड़ लगाकर पहले ही प्रयास में 30 क्विंटल सीताफल का उत्पादन किया है। ई क्लास जमीन पर 3,500 सीताफल के पेड़ लगाकर अच्छा उत्पादन लिया है। बाजार में फलों की बिक्री कर ग्राम पंचायत के आय में 10,000 की वृद्धि हुई है। आज 4 साल के बाद सीताफल का पहला बार बेचकर 10,000 रुपए आय ग्राम पंचायत ने मिलाया है। विशेष रूप से पांगरी उबरहंडे गांव परिसर पहाड़ी इलाका है और यहां सीताफल का उत्पादन अच्छा होता है। ये बात ग्रामीणों ने समझनी चाहिए, इसलिए ई क्लास जमीन पर ऐसे ही प्रकार के फलों के पेड़ लगाने का आह्वान ग्राम पंचायत प्रशासन ने किया है। मी नागेश उबरहंडे ग्राम पंचायत सदस्य पांगरी या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण हा आमचा जो उपक्रम आहे याची दखल घेण्यासाठी आलात त्याबद्दल आपले न्यूज चॅनलचे आभार मानतो। या ठिकाणी 3,500 सीताफळाच्या झाडाची लागवड केली असताना ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नामध्ये अधिकाधिक भर पडण्याचं काम या निमित्तानं होत आहे। सर्व इतर ग्रामपंचायतींनी आदर्श घ्यावा अशा प्रकारचा असतो ते उपक्रम आहे। यानंतर उर्वरित जी आमची जागा आहे यावरही अधिकाधिक फळझाडं लागवड कशी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्नरत राहणार आहोत। यानंतर दरवर्षी जवळपास 3 ते 4 लाख रुपये उत्पन्न ग्रामपंचायत कशा पद्धतीने होईल याकडे आमचा अधिक भर राहणार आहे। म्हणतात तर चहा आहे तर राह आहे, तो त्याचप्रमाणे आम्ही अधिकाधिक आमची दृष्टिकोन जो आहे तो हे फळझाड लागवडीवरती ठेवणार आहे आणि उत्पन्नात भर कशी पडेल याकडे आमचे लक्ष राहणार आहे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला परिषद नागपुर में रिक्त उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम पीठासीन अधिकारी ने जारी कर दिया है। 12 नवंबर को जिला परिषद सभागृह में विशेष सभा में उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। सुबह 11 से 1 बजे तक नामांकन पत्र का वितरण और नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद दोपहर 3 बजे विशेष सभा की शुरुआत होगी। जिला परिषद में हाल ही में हुए उपचुनाव में सत्तासीन कांग्रेस को और 2 सीटों का फायदा हुआ है। पहले वह 31 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सत्तासीन ही थी। OBC आरक्षण रद्द होने पर उसकी 7 सीटें कम हो गई। चुनाव में 10 उम्मीदवार उतारे और उनमें से 9 पर विजय हासिल कर कांग्रेस ने अपनी सीटें 33 कर ली। 12 को होने वाले उपाध्यक्ष चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस से ही ये कुर्सी भरने वाली है, लेकिन जानकारी के अनुसार विपक्षी भाजपा भी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। हालांकि भाजपा के पास मात्र 14 सदस्य ही हैं, लेकिन वह नहीं चाहती कि कांग्रेस निर्विरोध तरीके से अपना उपाध्यक्ष बनाने का इतिहास रचे। फिलहाल 58 सीटों वाले जिला परिषद में 33 कांग्रेस, 8 राका, 14 भाजपा और शेकअप, शिवसेना व गोंगपा के एक एक सदस्य है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को एक्सलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वोत्तम मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को लागू करने के लिए महामेट्रो का चयन किया गया है।
भारत सरकार के गृह निर्माण तथा शहरी विकास मंत्रालय की ओर से महामेट्रो को एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गृह निर्माण तथा शहरी विकास हरदीप सिंह पुरी के हस्तों महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रजेश दीक्षित को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को उत्कृष्ट तरीके से लागू करने के लिए महामेट्रो का चयन किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया की ओर से देश के मेट्रो रेल प्रकल्पों में उत्कृष्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन अवार्ड के लिए प्रवेशिका मंगवाए गए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्ष 2024 तक 50 शहरों में मेट्रो सेवा बहाल किए जाने की जानकारी दी। वहीं एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार नागपुर मेट्रो को प्राप्त होने के संबंध में महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. दीक्षित ने कहा कि योग्य वर्ग तथा काम का सही नियोजन किया गया, नागरिकों द्वारा परियोजना को भरपूर सहयोग दिया गया, सभी के सहयोग से बूते पर नागपुर मेट्रो ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्धा के बाजार चौक में किसान आंदोलन को 321 दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में आंदोलन के दौरान 600 किसान बंधु शहीद हुए थे। इसके विरोध में अब भी किसानों का आंदोलन जारी है। वर्धा शहर के बजाज चौक में शुरू किसान कामगार धरना आंदोलन को राष्ट्रवादी किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत झाड़े ने मुलाकात दी। दिल्ली में शुरू किसान आंदोलन को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए बिल को रद्द करने की मांग करने के लिए आंदोलन जारी है। इस आंदोलन मंडप में आचार्य कुल के अवधेश भाई, मारोतराव इमड़वार, NAPM के राज्य संयोजक युवराज गटकर, किसान ब्रिगेड के श्रिया गोड़े, भारतीय महिला फेडरेशन द्वारका इमामवाड़, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राज्य प्रधान सचिव गजेंद्र सुरकार, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत झाड़े उपस्थित थे। दिल्ली मध्ये मी यशवंत झाड़े, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचा राज्य उपाध्यक्ष, त्याचप्रमाणे आमची ही जी शेतकरी आंदोलन समन्वय समिती आहे तिचा पदाधिकारी। दिल्लीमध्ये जे तीन काळे कायदे सरकार म्हणते आम्ही ते चांगले कायदे आहे, पण आमच्या हिशोबाने शेतकऱ्यांच्या ते काळे कायदे आहेत। हे तीन काळे कायदे रद्द केले पाहिजे यासाठी एक वर्षापासून दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे। वर्ध्यामध्ये आम्ही सामाजिक संघटना आहे, शेतकरी संघटना आहे, काही राजकीय पक्ष आहेत, यांनी निर्णय घेऊन दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांना आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा या हिशोबाने हे आंदोलन वर्ध्यामध्ये आम्ही सुरू केलं आणि कमी जास्त प्रमाणात आज 321 दिवस या ठिकाणी झाले। या संदर्भामध्ये आमची भूमिका अशी आहे की सरकारने जे तीन काळे कायदे केले ते त्वरित मागे घेतले पाहिजे। भारत सरकार काही त्याची दखल घेत नाही, परंतु आम्ही म्हणतो की हे तीन काळे कायद्यापैकी पहिला त्यांनी जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 हा रद्द केला, म्हणजे साठेबाजी जे मर्यादित केलेली होती, व्यापाऱ्यांना मर्यादित क्षमतेपेक्षा स्टॉक जास्त अन्नधान्याचा ठेवता येत नव्हता, ती आता 100% हटवलेली आहे। त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांचं धान्य जेव्हा किंवा गहू कापूस तांदूळ निघते त्यावेळेस स्वस्त दरामध्ये ते व्यापारी घेतात आणि त्यांच्या गोदामात गेल्यानंतर त्याचे भाव चढ्या दराने या ठिकाणी बाजारपेठेमध्ये नागरिकांना विकतात, तर हा एक दुष्परिणाम त्याचा आमच्या नजरेपुढं आहे। आता तीन राज्य जे आहेत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याच राज्यातले शेतकरी दिल्लीमध्ये जास्त आहे। अनेक भाजपाचे कार्यकर्ते असे आरोप करतात की देशभर हे शेतकरी आंदोलन नाही। कोविड संक्रमण की छाया में 7 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानमंडल के शीत सत्र की तैयारी आरंभ हो चुकी है। वरिष्ठ स्तर पर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। इन सबके बीच सार्वजनिक निर्माण वन एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने स्पष्ट किया है कि नागपुर में तैयारी आरंभ है, लेकिन सत्र नागपुर में होगा अथवा मुंबई में, इसका फैसला मुंबई में होगा। कोविड संक्रमण की छाया में 7 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानमंडल के शीत सत्र की तैयारी आरंभ हो चुकी है। वरिष्ठ स्तर पर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। इन सबके बीच सार्वजनिक निर्माण वन एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने स्पष्ट किया है कि नागपुर में तैयारी आरंभ है, लेकिन सत्र नागपुर में होगा अथवा मुंबई में, इसका फैसला मुंबई में होगा। सार्वजनिक निर्माण व वन सामाजिक प्रशासन मंत्री दत्तात्रेय भरणे यहाँ शीत सत्र की तैयारी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान तैयारी को लेकर संतोष जताया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें कोविड की पार्श्वभूमि में विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए थे। राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने गुरुवार को इसकी समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी मिमलार, अतिरिक्त आयुक्त संजय ठिवरे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानु से उपस्थित थे। मंत्री भरणे ने इस दौरान विधान भवन, विधान भवन के बाहर के परिसर, विधायक निवास, रवि भवन, 160 खोली परिसर, सुयोग पत्रकार निवास आदि स्थानों की सुरक्षा एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की। टेलीफोन, वाहन, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक आपदा से निपटने की व्यवस्था, इंटरनेट, रेलवे आरक्षण, खानपान, स्वच्छता आदि की समीक्षा की। उन्होंने सभी तैयारियों को आरंभ रखने के निर्देश इस दौरान दिए।
जिलाधिकारी विमला आर ने इस दौरान प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर प्रकाश डाला। नागपुर के धर्मनगर और नवकन्या नगर में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद वहां बिजली नहीं है और ये नागपुर प्रशासन की नाकामी है। इसके विरोध में मनसे के हेमंत गडकरी ने कंदील आंदोलन किया। नागपुर के धर्मनगर और नवकन्या नगर में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद वहां बिजली नहीं है और यह नागपुर प्रशासन की निकामी है। इसके विरोध में मनसे के हेमंत गडकरी ने कंदील आंदोलन किया। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए लेकिन उपराजधानी नागपुर में धर्मनगर और नवकन्या नगर जैसे कई इलाके हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है, जो बहुत शर्म की बात है। ये कहना है मनसे नेता हेमंत गडकरी का। उन्होंने नागपुर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कंदील आंदोलन कर सोए हुए मनपा प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। इस दौरान नागपुर मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता कंदील लेकर उपस्थित थे। ने हमेशा ही जनहित के उपलक्ष्य में आंदोलन किए हैं। आज एक कंदील मोर्चा के माध्यम से हमने सोई हुई सरकार को जगाने का, फिर वो चाहे मनपा में भाजपा की सत्ता हो या राज्य में महाविकास नाम की भकास आघाड़ी की सत्ता हो, इन सबको एक इशारा दिया है कि अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर वो बिजली नहीं दे सकते तो पाँच पाँच साल जो सत्ता में रहते हैं ये लोग आखिर करते क्या है। आज बिचारी सर्वसामान्य जनता अंधेरे में रह रही है। वो क्या आदमी नहीं है यहाँ पे रहने वाले लोग? यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है? सिर्फ अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन आएंगे तो ये मत मांगने के लिए आगे आएंगे? ये ऐसे निष्क्रिय सरकार का निषेध करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इनके कारोबार में सुधार नहीं आया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से आंदोलन करेंगे। अभी कंदील में रहने का समय इस सरकार ने लाया है, ये नौबत जो इस सरकार ने लाई है उस सरकार का निषेध करने के लिए। और जल्द से जल्द ये धर्मनगर और नवकन्या नगर इसमें तुरंत बिजली आना चाहिए, ये मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज एक कंदील मोर्चा का ऐलान किया था। और ये यहाँ के धर्मनगर और नवकन्या नगर के सभी नागरिकों ने इस मोर्चा को बेशर्त पाठिंबा दिया है और यहाँ की जनता पवन साहू के साथ में है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।